जिंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बुरी हालतों का सामना कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है। और क्या पता मेरा ये छोटा सा बदलाव कुछ क्रांति लेकर आएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर चीज का बदलाव की शुरुआत बहुत ही बेसिक ढंग से होती है। कई बार तो सफलता हमसे बस थोड़ी ही कदम दूर होती है कि हम हार मान लेते हैं, जबकि अपनी क्षमता पर भरोसा रखकर किया जाने वाला कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता और वो हमारी जिंदगी में एक नींव सा पत्थर भी साबित हो सकता है। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची। वो लड़का महिला के पास गया और उसका अभिवादन कर बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ साफ करते हुए देखता हूँ, आप ऐसा किस वजह से करते हो? महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया, मैं हर रविवार यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख शांति का अनुभव करती हूँ, क्योंकि इसकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमा हो जाने की वजह से उनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए एक कछुआ तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। अगर ऐसा ही रहे तो ये कवच भी कमजोर हो जाता है, इसीलिए कवच को साफ करती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो उनसे भी बुरे हालत में है, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते। आपके अकेले के बदलाव से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा ना। महिला ने बड़ा ही असरदार जवाब दिया, भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो इस एक कछुए की जिंदगी में तो बदलाव आएगा ना। तो क्यों हम छोटे से बदलाव से ही शुरुआत करें।